हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो मेरे तरफ से सभी बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। और आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू रहे और हम फिर एक न्यू वीडियो की शुरुआत की हूँ। और आप लोग स्किप नहीं करिएगा प्लीज, जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आता। तो इसलिए आप लोग दोस्तों कंटिन्यू रहिए और इस बहन दोस्त को सपोर्ट करते रहिए, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले तो फटाफट से हम थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, जो कि और बहुत सारे काम पड़ा हुआ, पूरा ऐसे फैला हुआ है, पूरा पूरा पूरा। आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था किसी बात पे, ऐसे ही लेके कुछ फैमिली है तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है फैमिली में हर किसी की, तो इसीलिए आज थोड़ा मूड ठीक ठाक नहीं था। तो मैंने कोई काम नहीं की थी, कर लिए थे थोड़ी बहुत, पड़ा हुआ था। तो अभी फटाफट से हम कर लेते हैं इतना सारा काम। सबसे पहले तो हम कपड़ा को मोड़ मोड़ के डाल लेते हैं। बच्चे का काम है क्या? आए फटाक से फेंक दिए। और मम्मी का क्या काम है? मम्मी एक एक कपड़ा को उठा के इधर रखेगी, एक उधर रखेगी, सारे दिन मम्मी का यही काम है। संभालते रहो, बच्चे का काम फैलाते रहो। बस दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं, अलमारी में रखते हैं कंडे में। बस और तो ये तो हमारी है जो कि मैं पहनूंगी, इसको तो यही रख देती हूँ अभी फिलहाल में। और रजाई भी अच्छा रहे, हम अभी थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं। क्या करना ठीक है, अब तो इससे सब आके बैठते हैं, ठंड है तो बैठ ही जाते हैं। तो इसको ऐसे, और देखिए मेरे कपड़े कहाँ फेंका हुआ है, रख देते हैं। और बच्चे का सामान सामान ऐसे फैला हुआ है, ये देखिए क्या है, ये बच्चे बॉडी बनाते हैं, दबाते रहेंगे। मुझे बच्चे बोलते हैं मम्मी आप दबाना मम्मी, एक बार मेरे साथ एक बार दब जाए, दो तीन बार दब जाए, इतनी टाइट है ये, पता ना हैंड ग्रिप पर ऐसे कुछ बोलते, मुझे नहीं पता, बच्चे बोलते तो मुझे भी आ गया बोलना। तो फिलहाल मैं ऐसे फेंक रखे हैं, बच्चे रख देते अंदर चल के। ये हमारे बच्चे की थैला है, खिलौना सा, मेरे बेटे के इसमें बहुत सारा सामान है, बहुत। और मैं किसी दिन डाल को दिखाऊंगी ना, डाल के तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, इतने सारे सामान, मतलब इतने छोटी 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 5-5 रुपए की चीज में जो मिलते हैं ना, वो सामान इतना सारा इकट्ठा कर रखा इस थैले में भर के। और अभी मेरे को बहुत सारा काम है जो कि पूरा फैला हुआ है ऐसे किचन में। ये देखिए दोस्तों, किचन में कितना सारा काम फैला हुआ है। आज मैं आई नहीं, किसी वजह से थोड़ा मूड ऑफ था, तो सारे बच्चे ने फैला फैला के ऐसी तैसी कर, खाना को ऐसी तैसी देख सकते क्या कर रखा है बच्चों ने। चलिए कोई ना, मैं तो इसको 2 मिनट में कर लूँगी, 2 मिनट लगेगा मुझे बस। चलिए मैं अपने बच्चों की थैला दिखाती हूँ आप लोगों को, पलट के ये वाला थैला, उसमें आप देखना इतने छोटे छोटे जो बच्चे 2-2 महीने के बच्चे खेलते हैं, 4-4 महीने के, इतने छोटे छोटे जो 5-5 रुपए की चीज खाते हैं, उसमें बहुत सारा मिला तो इकट्ठा कर रखा है, ढेर सारा रख रखा है सामान। एक बार डालती हूँ और फिर उठाने में भी टाइम लगेगा। उसको हम क्या करेंगे, कपड़े पे डाल देंगे और फिर डायरेक्ट कपड़ा को पकड़ के और सीधे उसमें पलट देना है मुझे। तो पलटती हूँ एक बार थैला, इसको हम उतारते हैं, इसमें 5 किलो वजन कर रखा है बच्चों ने। सॉरी दोस्तों, मैं खुद वीडियो बना रही, खुद अकेले फोन पकड़ रखी हूँ, मेरे को कोई हेल्प नहीं करता है, मुझे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। ओ भाई साहब, देखिए
देखिए देखिए क्या क्या है, बताऊं आपको? ये देखिए, ये गोल जो फ्लैंडिश होता है, ऐसे बच्चे खेलते हैं गोल ऐसे भगा के, ये है। ये बताना क्या है, ये बजाने वाला। एक बार बजा के देखती हूँ, ये बजाने वाला एक बार बजा के देखती हूँ मैं, क्योंकि जब वो दशहरा हुआ था ना, दुर्गा पूजा जो होता है उस टाइम दशहरा हुआ था, तो मेरा बड़ा वाला लड़का है ना, उसने लिया था, क्योंकि उसके सारे दोस्त यही बजा रहे थे, तो वो बोला मम्मी मैं भी बजाऊंगा। मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, ले लो, अभी उम्र है खेलने का, खेल लो, देखना बहुत तेज आवाज है, बहुत भयंकर आवाज है इसकी। चलिए इसको तो फिलहाल रखते हैं इधर। और दोस्तों देखिए आप, ये बॉल, एक दो, इधर तीन, इधर चार, चार तो बॉल है, और बड़ी हैवी हैवी बॉल ला रखी है बच्चों ने खरीद के। और इधर जो है ना, ये है क्यों रे होता है ना वो घुमाने वाला, वो है ये, इसको पन्नी में बांध रखा है खोल के। और दोस्तों सांप, टंडाना, देखिए देखिए सांप। और इधर होल्डर भी, इसके बाद लट्टू, ये देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गिल्ली, लोहा, लाइटर, उसके बाद ये डाइज। देखिए दोस्तों, लट्टू ही लट्टू है, लट्टू ही लट्टू, मोटे मोटे लट्टू, लोहे। ये देखिए चम्मुक, कितने सुंदर डिजाइन के चम्मुक हैं ले रखे, देखिए बहुत है अच्छा। चाबी के छल्ला, इधर भी चम्मुक और कील भी है इसमें चिपका हुआ, देख सकते हैं आप। इधर ये छल्ले हैं जो कि गोल रबर का ट्यूब नहीं होते साइकिल का ट्यूब, उसको काट के बांध के गोल बना रखे हैं। ये बच्चे उछल उछल के खेलते हैं, अपने पैरों से उछाल के इसको खेलते हैं, मतलब बाजी हराते हैं, जो कौन 100 बार उछालता है कौन 50 बार उछालेगा इसको। तो इसको चलते हैं साइड में करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है कुछ ऐसा है घुसाने वाला, इसमें सिक्का रख के और एक दूसरे को ढक्कन खोल के पता ना कैसे मैजिक दिखाते हैं। और ये पता ना क्या है, गिटार पता ना क्या, अभी तो पन्नी नहीं पड़ी। ये ताश वगैरह छोटे छोटे किस में निकला है पता नहीं मुझे, तो बच्चे ने ये पन्नी में भी पैक ही है अभी तो। देखिए ये उड़ाने वाला है, ये डाइज, ये पता नहीं बॉल इतने छोटे उड़ने वाले नहीं होते, जो इसको आराम से धरती पे मारूंगी और पता ना कितने ऊंचे फूट जाती है उड़ के, वो है ये। ये देखिए लोहा, और ये पता है इतने मोटे मोटे कील क्यों रख रखे है बच्चे ने, इसलिए ये रख रखे हैं कील, क्योंकि ये घीस के पतला करके और इस लट्टू में गाड़ते हैं। देखिए गाड़ भी रखा है मेरा बेटा ने, कितना टाइम लगता है इसको घिसते घिसते पतला करके, फिर इसमें हथौड़ा लेके ठोक देता है। ये भी चम्मुक, देखिए आप लोगों ने, देखे कितना सारा सामान इकट्ठा कर रखा है मेरे बेटे ने, इतना सारा सामान। दोस्तों अब मैं फटाफट से उठा के रख देती हूँ, और सर में चोट लग गया पीछे से, ये बैठी हूँ ना इस पे ऐसे करी थी, लग गया था, पलथी मार लेती ना मैं इसे, और फटाफट से अभी इसको हम रख देते हैं। मेहनत 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 करना पड़ रहा दोबारा, कोई बात नहीं। दोस्तों आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, और इस बहन दोस्त को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं चोरी छिपी वीडियो बनाती हूँ। और फटाफट से चलिए दोस्तों घुसा देते हैं इसको, तो दोस्तों मैं इसको घुसा देती हूँ जल्दी जल्दी डाल के इसमें लोहा, ये कोई आ जाएगा इसके लिए, लेकिन इतना मोटा कील देख सकते हैं, ये जल्दी से मैं डाल देती हूँ इसमें। दोस्तों ये उड़ाने वाला है ऐसे घुसा के, बताऊं कैसे करते बच्चों, बताऊं? ये देखिए ये वाला ऐसे नहीं होते है, ऐसे करके और ऐसे उड़ाते हैं सारे मार के, पता नहीं ये तो निकल ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे करते तो उड़ जाता है ये है ये। चलिए इसको रखते हैं फटाफट से। मुझे और भी काम है बहुत सारे जो कि करना है, बस मेरा फिनिशिंग। मेरा तो फोन ही गिर गया था, बस हो गया मेरा काम। और ये दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा सांप, इतना अच्छा लग रहा है ना क्या सांप, वाह अगर असली हो तो बाबर डर भी लगेगा इतने काई काट ले। तो खेलने वाला प्लास्टिक का है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, बच्चे खेलते। चलिए दोस्तों फटाफट
हम इसको टांग देते क्योंकि एक ही काम में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस ये सेफ मैंने उसका रख दिया। ओ सॉरी यार टूट गया। और दोस्तों मुझे जाना है सुबह गाजियाबाद, कुछ काम है गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद जाना है, तो मुझे जल्दी 6:30 सुबह निकलना पड़ेगा। और मैं अभी के अभी जस्ट सारा तैयारी करके रखूंगी, इसलिए सुबह फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपने साड़ी वाड़ी जो होते हैं वो निकाल के रखूंगी और जो जहाँ है वो करके रहूंगी। वहाँ पे मेरे ताऊ जी ताई जी सब रहते हैं। मैं अपनी चप्पल भी निकाल के रख लूँगी, वो थोड़े टूट फूट रखे होंगे तो मैं देख लूँगी उसको कैसे है क्या है नहीं है। तो मैं इसके अंदर रख रखी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, तो निकाल के चेक कर लेते हैं चप्पल को। हम इसको ही डाल के जाएंगे, इसको अभी हम निकाल के रख लिए। ये सिंपल है और मैं ऊंच के नए एडी का नहीं पहन के जाऊंगी, इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कहीं गिर वीर गई तो दिक्कत हो जाएगी। और कुछ अंदर जाना है मुझे, वहाँ गांव के एरिया पड़ता है तो वहाँ पे जाना है मुझे ताऊ जी के यहाँ। तो इसमें देख सकते हैं गाइस ये तो उखर भी गया है थोड़ा सा, इसको गोंद लगा के चिपकाना पड़ेगा। तो ये चप्पल ऐसे ही होते हैं, मतलब उखर ही जाते हैं, ये तो इसका कोई ठीक नहीं रहा। चलिए दोस्तों इसको फिलहाल में हम रख देते हैं और मैं अपना साड़ी वाड़ी देख लूँगी। और भी रख रखी हूँ मैं, ये रहा जीना पे, देखिए ये वाला डिजाइन, ये रहा। पर इसको हम नहीं डाल के जाएंगे, इसको ये मुझे नहीं ज़्यादा अच्छे लगते, मैं इसको यहीं रख देती हूँ, 1 महीना से यहीं रख रखी इसको। और दोस्तों साड़ी मुझे निकालने पड़ेंगे पलंग में से खोल के, इसलिए क्योंकि मैं बैग में भर के रख देती हूँ बेड के अंदर, तो उसी में रहते हैं, और उसके नीचे से निकालूंगी। तो दोस्तों मैंने निकाली हुई है साड़ी और देखते हैं इसमें से कौन सा डाल के जाऊंगी अभी इसमें से, क्योंकि अभी फिनिशिंग करके मुझे रखना पड़ेगा। और कोई आ गया है तो मैंने ऐसे बाल को कर ली, ऐसे कर रखी थी तो इसलिए देखते हैं कौन सा पहन के चलते हैं इसमें से। ये रहा दो साड़ी निकाली हूँ मैं, इसमें से जो अच्छा लगेगा वो डाल लूँगी। ये देखिए थोड़े ब्लाउज टाइट है, ये बहुत दिन के साड़ी रखी हुई है ना, तो इसलिए सॉरी देखते हैं। ये देखिए निकाल देते हैं पूरा इसको, ये देखिए दोस्तों मिलना है आप लोग तो गाजियाबाद मिलिए, हापुर जा रहे हैं गाजियाबाद, हापुर पिलक हुआ, बिल्कुल पिलक हुआ वहाँ पे। ये देखिए एक ये और ये, दोस्तों दोनों साड़ी कैंसिल हो गया। हमारे नीचे वाली जो भाभी रहती है तो वो आए थे अभी, मैं सॉरी वीडियो स्टॉप करके रुक गई थी इसलिए क्योंकि उनके सामने, चाहे किसी के सामने मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो आए थे तो उनको दिखाई तो बोले क्या ये मत पहन दूसरा पहन ले। तो फिर मैंने कहा क्या करी हूँ, दूसरा को निकाल लिए हैं, वो दोनों को हम रख दिए हैं और हम दूसरा निकाल लिए हैं। ये देखिए साड़ी, ये कुछ ये देखिए दोस्तों, इसको हमें डाल के जाना है, कल भाभी ने बोले यही डाल के जाओ, क्योंकि जो हमारे मकान मालिक है ना उनकी जो बहू है ना, हम उनको शुरू से भाभी बोलते हैं, हमारा अपनापन ज़्यादा बन रखा है और वो भी हमें प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग एक दूसरे को साथ हमेशा रहते हैं। तो ये सारी देखिए दोस्तों इसको हम डाल के जाएंगे कल। और दोस्तों पता है जब तक वो बैठे इतने देर में तो हम साड़ी अपना चूज करके रख लिए, उसके बाद पूरा बिस्तर को हमने क्लीन कर दिए और बिस्तर करके उसके बाद है जो हमने नेन पेंट भी देख सकते लगा लिए, क्योंकि सुबह 6:30 जाना तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए हमने ये नेन पेंट हाथों पैरों में लगा लिए हैं। और सारा काम मतलब फिनिशिंग हो गया हमारा कल के लिए। तो अभी फिलहाल में तो हम फटाफट से अब तैयारी करेंगे खाने पीने का, जो कि फटाफट से बना बना के रखना है, क्योंकि कुछ इसके पापा के कपड़े भी प्रेस करने हैं, जो हमारे हस्बैंड जी उनके कपड़े भी प्रेस करना है। और इस साड़ियाँ को देखूंगी खोल के, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो रखे बहुत दिन रखे रखे जो है ना वो निशान आ जाते हैं फिर, तो इसको भी थोड़ी बहुत हम प्रेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, अब लंबा हुआ बड़ा हुआ छोटा हुआ मुझे नहीं पता, जो भी बन गया है बन गया। और आप लोग देख के और मुझे अच्छा रिस्पांस दीजिएगा इस बहन दोस्त को, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए और फिर कोशिश करूँगी और भी बढ़िया ब्लॉग लाने की, आप लोग तक पहुँचाने की। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ प्यार बना के आप लोग रखिए और
फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू मेरे यूट्यूब फैमिली।